तालाब में नारियल खोजने उतरे युवक की डूबने से मौत। महाराष्ट्र से नौकरी की तलाश में आया था भिलाई। प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाब व नदियों में दूर तक नारियल फेंका जाता है। इसे खोजने के लिए युवा व बालक गहरे पानी में उतरते हैं। इस दौरान कहीं किसी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते, इसके चलते प्रतिवर्ष डूबने की घटनाएं भी सामने आती रही है। भिलाई थाना अंतर्गत हथखोज इलाके में सोमवार की रात 9 बजे शीतला मंदिर के पास तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक गोंदिया महाराष्ट्र निवासी प्रवीण पिता जैतराम तुलावी उम्र 22 वर्षीय बताया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने 6 घंटे में शव को पानी से बाहर निकाल लिया। युवक तालाब में गणेश विसर्जन की नारियल तलाशने के लिए उतरा था। पानी की गहराई में उसका पैर कीचड़ में फंस गया, इससे वह तालाब में डूब गया। उसकी आवाज़ सुनकर 3 दोस्त तालाब में छलांग लगाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तीनों युवक शव तलाश नहीं पाए। इसके बाद पुलिस और SDRF को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि प्रवीण 12 दिन पहले नौकरी की तलाश में अपने चचेरे भाई किरण कुमार, दोस्त प्रवीण राहुल और आदित्य के साथ भिलाई आया था। पांचों दोस्त हथखोज इलाके में शीतलापारा स्थित गोदाम में नौकरी करते थे, रात तालाब पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।